दोस्तों 3 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। 15-16 जून की रात भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में दोस्तों भारत के 20 जवान शहीद हो गए। उस घटना के 17 दिन बाद दोस्तों प्रधानमंत्री के इस तरह से अचानक उस क्षेत्र में जाने को बड़ी बात माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद घायल जवानों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच जाकर उनका हालचाल जाना और उनसे कुछ बातें भी साझा की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात और बातचीत का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। हालांकि दोस्तों जवानों को जिस जगह रखा गया है उस पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जवानों से इस मुलाकात को फोटो सेशन का मौका करार कर दिया। बहुत से लोगों ने दोस्तों ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े किए और दोस्तों हैशटैग मुन्ना भाई MBBS टॉप ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। हालांकि जब ये मामला बढ़ता दिखा दोस्तों तो सेना ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान दोस्तों आरती नाम की एक ट्विटर यूजर लिखती है, देश से इतना बड़ा धोखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ले यात्रा के दौरान महज फोटो के लिए कॉन्फ्रेंस रूम को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट आरती का वेरिफाइड है और उनके ट्विटर बायो में लिखा हुआ है कि वो आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया टीम से जुड़ी हैं। वहीं दोस्तों एक और ट्विटर यूजर जो खुद को डॉक्टर बताती हैं, उन्होंने ट्वीट किया, एक असली डॉक्टर बता रही है कि यहाँ क्या क्या नहीं है। पेशेंट्स के ID बैंड नहीं है, पल्स ऑक्सोमीटर नहीं है, ECG लीड्स नहीं है, ना ही मॉनिटर है, ना ही है IV कैनुअल, ना ही कोई इमरजेंसी क्रैश कार्ट है और बहुत कुछ है जो नहीं है। ना ही कोई डॉक्टर मरीजों की स्थिति की जानकारी दे रहा है। इस तरह के फोटो वाले मौके से पहले डॉक्टर बुला लें। दोस्तों ट्वीट्स की इसी कड़ी में दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को जोड़कर ट्वीट किया और लिखा, सच का अस्पताल बनाम PR एक्सरसाइज। इन तस्वीरों में दोस्तों एक तरफ मोदी लेह में जवानों से मिल रहे हैं तो दोस्तों दूसरी तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अस्पताल में भर्ती लोगों से मिल रहे हैं। अब दोस्तों जो सेना ने बयान जारी किया है वो भी जानिए। सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अस्पताल का दौरा किया था उसे लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बहादुर जवानों का जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये स्पष्ट किया गया है कि जिस जगह का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है वो जनरल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स का क्राइसिस एक्सपेंशन है जिसमें 100 बेड है। COVID-19 प्रोटोकॉल की वजह से अस्पताल के कुछ वार्ड को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है। इससे लिए ये हॉल जो आमतौर पर ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था उसे एक वार्ड में बदल दिया गया है। जब से अस्पताल को कोविड ट्रीटमेंट के लिए अलग कर दिया गया था गलवान से आने के बाद से घायल सैनिक यहां रखे गए थे और क्वारंटाइन किए गए थे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने और आर्मी कमांडर ने भी इसी जगह का दौरा किया था और जवानों से मुलाकात की थी। दोस्तों आपको बता दें कि सेना प्रमुख ने 23 जून को जिस जगह का दौरा किया था और जवानों से मुलाकात की थी उसकी तस्वीर दोस्तों भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी की गई थी। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFM अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।